Hello everyone, my name is Amandeep, I am from Acumen Academy. So in the previous video we have discussed about how will you find ki kisi equation ke kitne solution honge, unique solution hoga ya infinite solutions honge ya koi solution nahi hoga. Ab uska application kya hoga un teen concepts ka, wo hum samajhte hain. Usme kai baar ye hoga ki exam mein question aapko aayega ek type ka ki jisme bola hoga ki judge kar dijiye ki is equation ke kitne solutions hain, jo humne previous video mein discuss kiya tha. और कई बार ऐसा होगा कि आपको वैल्यू निकालनी होगी k की, बोला होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k का वैल्यू क्या होगा इफ दिस इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, राइट. सो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके सॉल्यूशन पे आते हैं. देखिए याद रखना है कि यहाँ पे a1 कितना है, यहाँ पे a1 है 3. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b1 हियर, b1 इज k. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c1 हियर, इट इज 9. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a2 इन द सेकंड इक्वेशन, इट्स 6. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b2, इट इज 8. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c2, इट इज 19. So the question itself says the answer must be unique. The answer आना चाहिए unique. Unique solution के लिए k का value क्या होना चाहिए. So हमें पता है कि for unique solution ये हम लिखना पड़ेगा. For unique solution a1 upon a2 जो होता है वो b1 upon b2 के बराबर नहीं आना चाहिए. So let's put the values. तो आपको मालूम है कि यहाँ पे 3 है a1 का value और a2 का value 6 है. So 3/6 किसके बराबर नहीं होना चाहिए, k/8 के बराबर नहीं होना चाहिए. सो 3/6 का मतलब होता है 1/2. 1/2 इज नॉट इक्वल टू k/8. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया सो 8 इज नॉट इक्वल टू k, राइट. सो k का वैल्यू 8 नहीं होना चाहिए. मैं नीचे लिखता हूँ, एक काम करता हूँ. सो यहाँ से जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया 8, वहाँ कितना हो गया 2k. सो 2k इज नॉट इक्वल टू 8 और k नॉट इक्वल्स टू 4. तो k का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर k का वैल्यू 4 हो गया, k का वैल्यू अगर 4 हो गया तो 3/6 मतलब 1/2 हो जाएगा और 4/8 1/2 हो जाएगा. और अगर a1 upon a2 b1 upon b2 के बराबर हो गया तो फिर यूनिक कैसे हो सकता है, राइट. तो a1 upon a2 b1 upon b2 के बराबर नहीं होना चाहिए. सो k नॉट इक्वल टू 4. तो आंसर क्या लिख सकते हैं, ऑल वैल्यूज आर पॉसिबल. यू कैन पुट एनी वैल्यू, ऑल वैल्यूज आर पॉसिबल एक्सेप्ट k इज इक्वल्स टू 4. सो k इज इक्वल्स टू 4 इज नॉट अलाउड. आंसर इज k नॉट इक्वल टू 4. सो वी कैन राइट k नॉट इक्वल टू 4 और वी कैन राइट दिस स्टेटमेंट, ऑल वैल्यूज आर पॉसिबल एक्सेप्ट k इक्वल टू 4, राइट. सो ये आपका तरीका होगा कि हाउ विल यू सॉल्व, हाउ विल यू गेट द वैल्यू ऑफ x अगर आपको बोला जाए कि यहाँ पे इक्वेशन का कुछ पर्टिकुलर यूनिक सोल्यूशन है या इन्फिनिट सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट. सो एक काम करते हैं, एग्जाम्पल चेंज करते हैं. ऐसा बोला हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ इक्वेशन, मैं इक्वेशन चेंज करता हूँ और यहाँ पे कंडीशन भी चेंज करता हूँ. इफ द इक्वेशन 3x + 2y इज इक्वल्स टू k और एक इक्वेशन लिखा हुआ है आपके सामने 6x + 4y इज इक्वल्स टू लेट्स से 5 हैज, दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन. अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस क्या होता है बच्चों, सॉल्यूशन हम ले सकते हैं. फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए क्या कंडीशन होती है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर आता है और ये वैल्यू c1 अपॉन c2 के बराबर आता है. सो आप मुझे बताइए, कह सकते हैं यहाँ पे a1 का वैल्यू है 3, राइट. यहाँ पे a2 का वैल्यू जो x का कोएफिशिएंट होता है वो है 6. यहाँ पे b1 का वैल्यू कितना है, b1 का वैल्यू है 2 और b2 का वैल्यू कितना है, b2 का वैल्यू है 4. व्हाट इज c1 अपॉन c1, c1 इज k एंड c2 इज 5, ऐसे कुछ दिया है, राइट. तो a1 अपॉन a2 कितना होगा, a1 अपॉन a2 आपका आ जाएगा a1 अपॉन a2. दैट्स व्हाई 3/6 इक्वल्स टू इनफाइनिटली सब बराबर आना चाहिए. b1 इज 2 एंड b2 इज 4 इज इक्वल्स टू, व्हाट इज c1, c1 इज k एंड दिस इज 5, ऐसा कुछ है, राइट. तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू k/5, राइट. अब क्या करेंगे, हम किसी भी दो को पकड़ के सॉल्व कर देंगे, ये और ये बराबर आने चाहिए. सो इफ यू पिक दिस टू, राइट, 1/2 इज इक्वल्स टू k/5 और इसको यहाँ भेज दो, सो 5/2 इज इक्वल्स टू k और यू कैन राइट k का वैल्यू कितना होना चाहिए, 5/2. सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन टू हैव इनफिनिट सॉल्यूशन k मस्ट बी हाउ मच, k मस्ट बी 5/2.